हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी इस वक्त मैं भूतनाथ मार्केट में, मम्मी गई है कुछ सामान खरीदने के लिए, तो मैं उनका कार में वेट कर रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या ना कि थोड़ा दूर खड़ा हूँ, इस वजह से कि मार्केट में बिल्कुल भी कार खड़ी करने की जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। ऊपर से फेस्टिवल टाइम पर तो और ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ खड़ा हूँ। ये पेन देखिए कितना बड़ा है। ये पेन एक्चुअली एक अंकल है यहाँ पर, मतलब कि मैंने देखा ना बहुत सारे ऐसी हट्टी कट्टी फीमेल, नहीं बोलूँगा फीमेल, टहलती रहती है, मांगती रहती है, दे दो भैया, ये दे दो, वो दे दो, पर काम नहीं कर जाती। वो अंकल की एज कुछ नहीं, कम से कम 75+ के ऊपर होगी। वो मांगते नहीं हैं, वो सामान बेचते हैं। तो हम उनसे, वैसे मुझे तो कोई यूज़ नहीं है, पर एटलीस्ट उनसे परचेज कर लेता हूँ ताकि उनका काम बन जाए। कई बार हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, पेन खरीदा है, कहीं वो ईयरबड्स बेचते हैं, ईयरबड्स परचेज कर लेते हैं, पर एटलीस्ट वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके कमा कर खा रहे हैं। और वो औरतें सिर्फ मांग के खा रही हैं। उनको तो मैं सीधे मना कर देता हूँ, भगा देता हूँ। यार तुम लोग काम करो, मेहनत करो, कमाओ ना, किसने रोका है? अच्छी खच्ची हो, कमा सकते हो, अच्छी खासी हो, पर नहीं, मांगना ही है। बच्चों को लेके आ जाएंगे, मांगना ही है। और वो अंकल मेहनत करते हैं, इसलिए मैं उनसे हमेशा कुछ ना कुछ खरीदता हूँ। इस बार मैंने ये पेन खरीदा, अच्छा है ना पेन? आप लोग बताइएगा मैं सही करता हूँ गलत। फिलहाल मम्मी का वेट कर रहा हूँ, मम्मी आ जाए, फिर हम लोग को यहाँ से निषादगंज जाना है, निषादगंज मार्केट, वहाँ से उनको कुछ सामान खरीदना है, उसके बाद जाएंगे घर। तो फिलहाल मम्मी का वेट कर रहे हैं, आ जाए फिर चलते हैं। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं दीपक के पास। गाड़ी इतनी गंदी कर रखी है ना उसने कि कह रहे कि मैं घर के पास भी लेकर नहीं आऊँगा, शर्म आती है। अब तो शर्म आती है तो गाड़ी का ऐसा हाल ही क्यों कर रखा है? गाड़ी साफ रखो। कह रहा धुल दी है, थोड़ा थोड़ा बहुत पहुँच दी, साफ़ कर दी, पर फिर भी इतनी साफ़ नहीं हुई है। देखते हैं अभी पहुंच के कितनी साफ हुई है गाड़ी। ये देख लो आ गया, अच्छी खासी साफ गाड़ी है। अच्छा ये गंदगी देख रहे हैं, इसको ही पहुंच लिया होता है। गाड़ी साफ नहीं है, इस चक्कर में कोई घर तक नहीं आ पाया है। अरे वो अब जो पान वान का दाग लगा है वो तो, अरे अरे अरे, कुल्फी खा के खांसी है क्या? कुल्फी तो कुल्फी खाते हो, पहले तो दवा करो, फिर खांसते हो खा 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 करके। होटल वाले भाई, फिलहाल दीपक भाई अपनी कार में हवा हड़वा रहा है। और आज हम लोग दुर्गा पूजा में नहीं जा रहे हैं, प्लान कैंसिल, क्योंकि लेट हो गया। अभी ऑलरेडी रात के 9:15 हो रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं जाने का। वहाँ जाएंगे तब तक बंद हो जाएगा, कल देखेंगे अगर कल टाइम मिलेगा तो, इसलिए आज का प्लान कैंसिल। पर हम अभी भी कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता चलेगा बाद में। बहुत स्पेशल जगह है, बहुत ही स्पेशल जगह है। पहुँच के पहुँच जाएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे कि हम कहाँ गए हैं। ठीक है, वेट करिए, पहुँच रहे हैं। खा लेंगे मोमोज के अलावा तुम कुल्फी भी खा गए हो। अरे कुल्फी तो सही चीज है, मैं अब तो पुनीत भाई की सगाई में खाओगे दबा के। पुनीत भाई तो देखेंगे ना लोग। हाँ पुनीत भाई देखते हैं भाई, इतना टाइम लग गया भाई, सिग्नल कितना लंबा था, 120 सेकंड है ना? नहीं जो हमने देखा है तो 120 सेकंड, इतना लंबा सिग्नल था ये। यहाँ पर हम लोग सबसे बैठ के हम लोग पता है कितने सारी बातें कर ली, डिस्कशन कर लिए थे सारे, इधर करो इधर करो वो मोड़ेगा, इतने सारे डिस्कशन हम लोगों ने कर लिए, इतना लंबा सिग्नल था कि सब गप्पे पूरी हो गई हैं। दीपक भाई अभी पहुँच भी नहीं पाएंगे, और हमें पता है जब तक वहाँ पहुँचेंगे फिर तब तक फिर बंद हो जाएगा। अरे मास्क बाद में लगा लेते, अरे मास्क फिर ये तो इसलिए लगा रहे क्योंकि पता है निकलने नहीं देंगे तो क्या फायदा। हम देखते हैं, अच्छा चलो देखते हैं हम लोग निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते। 15 सेकंड बचा है, 15 सेकंड हम सिग्नल क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। 10, 9, 8, 7, क्या भाई फिर से बातें करने के लिए और समय मिलने वाला है?
दो एक जीरो। पाँच लास्ट पाँच मिनट पाँच सेकेंड हमारे पास एक्स्ट्रा वाले जो होते हैं वो मिल गए हैं। 135 मिनट का सिग्नल है, हद है, 135 मिनट का सिग्नल। और यहाँ पर हम सिग्नल में बीच में स्टक हो गए हैं, क्योंकि नाम इधर के रहे नाम उधर के रहे। भाई सामने वाला ही नहीं रुकता उधर से। अरे बड़ा का ही नहीं रहो भाई, ये गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा है? वाला चौराहा सबसे खतरनाक चौराहा निकला अभी तक तो हम लोग का। भाई तू नहीं 20 सेकंड आप छोड़ रहे हो कि आधा बंदा वहीं पर रुक जाएगा। तो आप कम से कम भाई 120 मिनट का 150 मिनट का था, मतलब सॉरी 150 सेकंड का, कम से कम 1 मिनट तो रखो, कुछ भी मतलब आपसे क्या कहता है, हम अपनी फेवरेट प्लेस पे जा रहे हैं। वैसे आवाज तो आपको आ ही गई होगी, पता चली गया वो कहाँ घूम रहे हैं, कौन सी इनकी फेवरेट प्लेस। जहाँ आप कहते हो कि ये तो रोज स्टेशन पर ही पड़े रहते हैं क्या, दिन भर वहीं जाते रहते हैं, क्या करें, इस मंथ ऐसा हो गया कि हम लोग इतनी बार स्टेशन जाना पड़ गया है, कभी किसी को लेने कभी किसी को लेने। फाइनली आज प्रॉपर व्लॉग स्टेशन का। आज क्या करने आए हैं, आज हम आए हैं दीपक भाई के मम्मी पापा को लेने के लिए। आज वो दिल्ली से लौटे हैं, उनको पिक करने के लिए आए हैं। ये देखिए हमारे लखनऊ में एक फेमस मज़ार है जो कि स्टेशन पे है, बीच प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म के मतलब बीच लाइंस के बीच में ही है वो, आपको लास्ट में जहाँ पे लाइट्स हैं वहाँ दिखाई दे रहा होगा। हमें लग रहा है जो ट्रेन आ रही है यही वाली है, तो दीपक भाई कह रहे हैं पहले ऊपर देख ले फिर उतरेंगे नीचे, वरना फिर बहुत लंबा चलना पड़ेगा। ये रहा हमारा लखनऊ रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 5, पाँच है ना प्लेटफॉर्म नंबर, 3 है प्लेटफॉर्म नंबर 3, इस पर हमारी ट्रेन आ रही है घूमती हुई। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि भूख लग जाती है भाई। ये हमारी ट्रेन आ गई है, टोको है 37105। उत्तर मध्य रेलवे स्टेशन मज़ा अलग ही होता है, स्टेशन पे खाने का मज़ा अलग होता है। पर दूसरी चीज़ ये भी है, इतना टाइम हो गया है तो ट्रैवल किए हुए, हम और भाई को ट्रैवल किए कम से कम दो साल हो गया मेरे ख्याल से, दो साल से 2019 में ट्रैवल किया था। नहीं मैंने तो ट्रैवल ही नहीं किया यार, बता दो साल से हम ट्रेन में बैठे ही नहीं। हम लोग लास्ट ट्रिप कहाँ गए थे दीपक, ट्रेन में से दिल्ली गए थे ना, साथ में ना। हाँ भाई वही जब जॉब करते थे, इतना टाइम हो गया हम लोग गए नहीं है। फाइनली चारबाग से घर आ गए। और यार सच में जब भी कोंती एक्सप्रेस से कोई दिल्ली से आता है ना, वो डब्बा इतना लास्ट में होता है, चलते चलते हम लोग तो थक जाते हैं पूरे प्लेटफॉर्म पे, हमेशा एंड में होता है लास्ट में, गर्मी लग जाती पूरी। और ऊपर से लखनऊ का ट्रैफिक यार इतना गंदा हो गया है ना, एक तो कोई भी कहीं से भी घुसता है, है दूसरा स्मार्ट सिटी कहते हैं सिग्नल सारे ख़राब पड़े हैं, मतलब 50% सिग्नल चलते ही नहीं हैं। आप विज्ञापनों पे 1500 करोड़ 100,000 करोड़ खर्च करते हो, पर यार एक सिग्नल नहीं ठीक करा पाते हो। हमारे एरिया में 4 सिग्नल हैं, चारों सिग्नल को ख़राब हुए मेरे ख्याल से 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, और एक भी सिग्नल अभी तक ठीक नहीं करा पाए हैं। तो क्या फ़ायदा यार लखनऊ को स्मार्ट सिटी बोलने का, कोई मतलब नहीं ना, सिर्फ विज्ञापनों पर स्मार्ट सिटी है, पर ओरिजिनलिटी में तो हम रोज़ देख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिग्नल आपने ट्रैफिक सिग्नल्स को लेके रोज़ पेपर में ऐड आता है, पर सिग्नल्स ही ख़राब है तो फ़ायदा क्या। सच में बहुत हालत ख़राब है सिग्नल्स की वजह से, तो ट्रैफिक बहुत ख़राब हो रहा है। चलिए अगर मेरी बात अगर आपको गलत लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा अगर मैं गलत हूँ, और अगर सही लगती है तो भी कमेंट में जब भी बताइएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।